सन 1965, देश अपनी पीड़ा से उबर ही रहा था कि पंडित नेहरू का देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बने। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दूसरी ओर पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी आर्थिक सहायता, आधुनिक पैटर्न टैंक, लड़ाकू विमान, तोपे और बहुत सा सैनिक सामान मिल रहा था, और चीन से भी दोस्ती हो चली थी। ऐसे वातावरण में एक बार फिर पाकिस्तान ने जुर्रत की हमारी धरती की ओर आंख उठाकर देखने की। चाल फिर वही पुरानी। बड़ी तादाद में रजाकरों की भीड़ में सैनिक छुपकर कश्मीर में घुसपैठ करने लगे, लेकिन आवाम की मदद से हमारे सिपाहियों ने चुन चुन कर उनका सफाया कर दिया और एक हैरत अंगेज अभियान में घुसपैठ के मुख्य रास्ते हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया। और इधर पंजाब, खेमकरण का इलाका, पाकिस्तान ने अपने पैटर्न टैंकों के पूरे गुरूर के साथ टैंकों के एक पूरे डिवीजन और तोपों से हमला कर दिया। वही असल उत्तर गांव के पास अपनी कंपनी के साथ मोर्चा संभाले बैठे थे हवलदार अब्दुल हमीद। पाकिस्तानी टैंकों का एक पूरा रेजिमेंट और तोपें उनके मोर्चों पर टूट पड़ी। पूरी रात घमासान लड़ाई चली। अगले दिन दुश्मन उनके कुछ मोर्चों को भेद कर आगे निकलने लगा। हवलदार अब्दुल हमीद तुरंत आरसीएल गन लगी अपनी जीप के साथ एक तरफ गए और दुश्मन के टैंकों पर टूट गए। एक टैंक तो उन्होंने उड़ा दिया। दुश्मन संभलता इससे पहले उन्होंने दूसरा टैंक भी उड़ा दिया। दुश्मन उन पर भारी गोलाबारी करने लगा। वो बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और अपनी आखिरी सांस तोड़ने से पहले उन्होंने दुश्मन का एक टैंक और तोड़ दिया, और तोड़ दिया दुश्मन के पैटर्न टैंकों का गुरू। हवलदार अब्दुल हमीद की इस बहादुरी से प्रोत्साहित होकर हिंदुस्तानी फौज ने वहां पाकिस्तान के 72 टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया और पाकिस्तानी मंसूबों को भी वहीं दफन कर दिया। और उधर जम्मू सांबा सीमा से सियालकोट के इलाके की ओर झपटे टैंक रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुरजोरजी तारापुर। दुश्मन ने भारी तादाद में टैंकों और तोपों से घेर कर उन पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के टैंकों की हर चाल तीव्र थी और हर वार घातक। उनके आग उगलते टैंकों की दहाड़ से दुश्मन दहलने लगा, टूटने लगा। उनके टैंक जिस तरफ जाते भूचाल आ जाता। घायल होने के बावजूद वो लगातार 6 दिनों तक लड़ते रहे और एक एक करके फिलौरा, वजीर वली, जसरौन और बुतूर डोगरंडी पर कब्जा कर लिया। दुश्मन के 60 टैंक तबाह कर दिए, पर वो खुद शहीद हो गए। पाकिस्तान जब जंग रोकने के लिए त्राही त्राही करने लगा तो 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो गया। पाकिस्तान की बेवकूफी कारण बनी उनके अंदर आपसी कलह, भेदभाव और राजनीतिक मतभेद की। नतीजा पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध और आखिरकार 1971 की जंग।